नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। शनिवार रात सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर 7 दिन का स्टे दिया है। हाई कोर्ट ने शनिवार को दिन में तीस्ता की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। इसके बाद तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर जजों में मतभेद हो गया। इसके बाद केस सीजेआई को भेज दिया गया। सीजेआई ने केस को सुनने के लिए 3 जजों जस्टिस बीआर गवाई, एबी बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच बनाई। बेंच ने रात में सुनवाई की। तीस्ता सीतलवाड़ पर साल 2022 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 7 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया और 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई में देरी होने पर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां सितंबर 2022 में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून 2022 को खारिज कर दिया था। यह याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में को पिटिशनर तीस्ता ने जाकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी। इसके बाद तीस्ता को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।